और आगे हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में, यानी कि जो फ्रांस में मिडिल क्लास जो आया उसके बारे में पढ़ते हैं। और टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड इन टू प्रिविलेजेस, यानी मिडिल क्लास नहीं है, फ्रांस के मिडिल क्लास ने जन्म के आधार पर जो प्रिविलेजेस थे उनकी अंत की परिकल्पना की। पास्ट में यानी इतिहास में पेजेंट्स और वर्कर्स रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट तो करते थे, लेकिन उनके पास उतने मींस यानी कि प्रोग्राम्स, फुल फ्लेज प्रोग्राम्स या फुल स्केल मेजर्स नहीं होते थे, जिसके चलते वो पूरे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक बड़ा चेंज ला सके। वो केवल रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते थे और वो रिवोल्ट खत्म हो जाता था। रिवोल्ट नॉर्मली होता था इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड फूड स्कार्सिटी के बारे में, लेकिन उनके रिवोल्ट्स में उतनी बात नहीं होती थी कि वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज ला सके। और इसके बाद दिस वर लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि पेजेंट्स और वर्कर्स तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज नहीं ला पा रहे थे, इसलिए ये उन सोसाइटी के उस हिस्से पर ये दबाव आ गया, यानी थर्ड स्टेट के उन हिस्सों की ये जिम्मेदारी हो गई जो प्रोस्पेरस थे और एजुकेशन जिनके पास था और जो नए आइडियाज रखते थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इन चीजों को सुधारें और इन चीजों को चेंज करें। 18 सेंचुरी के दौरान फ्रांस में एक सोशल ग्रुप विकसित हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा गया, जो अपना जो वेल्थ है वो कमाते थे ओवरसीज ट्रेड से, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से, जैसे कि वुलन का मैन्युफैक्चर, सिल्क टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर, या तो इसे वो एक्सपोर्ट कर देते हैं या फिर रिचर मेंबर जो सोसाइटी के अमीर लोग थे वो इसे खरीद लेते थे। इस ग्रुप में मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर, इस तरह के लोग थे जिनके पास काफी वेल्थ था, काफी पैसा था और ये थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे। और इसके अलावा थर्ड स्टेट में वैसे लोग भी थे जैसे लायर्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो आप जानते हैं कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ये सब काफी एजुकेटेड पर्सन होते हैं। तो ये सब जितने एजुकेटेड लोग थे इनका मानना था कि सोसाइटी के किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनके सोशल पोजीशन को तय होना चाहिए उसके मेरिट के आधार पर, यानी उस व्यक्ति के मेरिट के आधार पर उसका सोशल पोजीशन तय होना चाहिए। ये जो आइडियाज थे इन्होंने परिकल्पना की ऐसे सोसाइटी की जिस जो फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बने और जिनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाए सभी लोगों को, सभी लोगों को, चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे वो नोबल हो या फिर क्लर्जी हो, किसी भी ग्रुप का हो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और ये जो आइडियाज दिए गए थे ये फिलोसोफर्स द्वारा दिए गए थे, जैसे कि जॉन लॉक, जे जैक्स रूसो, ये सब फ्रांस के फिलोसोफर थे जिन्होंने ऐसे आइडियाज दिए थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज, इक्वालिटी के आइडियाज। और अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहते हैं उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क इसको खारिज कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि राजा का पूरी तरह से शासन उसकी कंट्रोल में हो, वही सर्वे सर्वा है, जो चाहे वो करे, इसको खारिज कर दिया। और जो रूसो थे उन्होंने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया और उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट की बात की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर हो, यानी कि उन्होंने कहा कि जनता यानी जो पब्लिक है उनको और रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि राजा या फिर कोई नेता, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि जो चीज भी जरूरतें हैं आम जनता की उनको वो रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा करें। और सरकारें बने तो व्यक्तियों के हेल्प के लिए बने, आम आदमी के काम के लिए बने, ना कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स के आराम के लिए। मोंटेस्क्यू ये भी एक फिलोसोफर थे, थिंकर थे,
फ्रांस के, इन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज इसमें लिखा है कि प्रपोज किया है कि पावर जो होना चाहिए गवर्नमेंट का वो डिवाइडेड होना चाहिए, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर का डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसा मॉडल वो पहले देख चुके थे यूएसए में, क्योंकि यूएसए आजाद हो चुका था ब्रिटेन से, खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर चुका था ब्रिटेन से, तो वहां पे एक गवर्नमेंट बना और इसी तरह का मॉडल वहां पे अप्लाई किया गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंडिविजुअल राइट्स के जो गारंटी है उससे प्रभावित बहुत ज्यादा थे फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आइडियाज जो थे वो इन थिंकर्स को, यानी फ्रांस के थिंकर्स को काफी ज्यादा डिस्कस किए जाते थे। फ्रांस के थिंकर के आइडियाज सैलन्स में या फिर कॉफी हाउसेस, यानी कि जहां नॉर्मल पब्लिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आज जैसे हम देख सकते हैं चाय की दुकान होते हैं वहां पर काफी लोग दूसरे एक दूसरे से बहस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वैसी लग जगहों पर ये आइडियाज डिस्कस किए जाते थे और आम लोगों के बीच में पहुंचाई जाती थी बुक्स के जरिए और न्यूज़पेपर के जरिए। और इन चीजों को जोर जोर से, जो लोग पढ़े लिखे थे वो इन चीजों को जोर जोर से पढ़ते थे, दूसरों को बताते थे, उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो कुछ लोग ही जानते थे, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो न्यूज था, ऐसा न्यूज आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है और टैक्स बढ़ाने का, यानी कि आपने पीछे देखा कि सरकार पर काफी बर्डन था इस वजह से उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो ऐसा जब न्यूज आया कि लुई 16 प्लान कर रहा है टैक्स बढ़ाने का, अपने एक्सपेंसेस जो है सरकारी एक्सपेंसेस उसको पूरा करने के लिए, तो ये इसने आम लोगों के बीच में काफी गुस्सा पैदा किया और इस वजह से सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो प्रिविलेज का सिस्टम था कि क्लर्जी और नोबिलिटी को काफी प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसके खिलाफ आम लोगों के बीच में काफी प्रिविलेजेस मिले, काफी विरोध हुआ, काफी लोगों के बीच में गुस्सा आ गया। तो हम इस द रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आइए हम यहां से पढ़ते हैं। लुई 16 ने टैक्स इंक्रीज करने का फैसला ले लिया था और इस इंक्रीज का रीजन, यानी टैक्स वो इंक्रीज क्यों कर रहा है, इसका रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें ताकि आपको पहले कटा बातें पता चलेंगी। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, तो अब हम देखते हैं कि वो टैक्स कैसे इंक्रीज कर सकता था और ऐसा फ्रांस में कैसे होता था। तो ऐसा नहीं था कि फ्रांस का राजा खुद से टैक्स बढ़ा सकता था या इंक्रीज कर सकता था, उसके पास पावर नहीं था। उसका टैक्स इंक्रीज करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स, क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और उन रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुमत के आधार पर ही तय होती थी कि टैक्स बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन ये मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ राजा को था, यानी मोनार्क को था, और ऐसी मीटिंग अंतिम बार 1614 में बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को लुई 16 ने ये असेंबली बुलाई तीनों स्टेट जनरल की, नए जो टैक्स के प्रपोजल थे उसे पास करने के लिए, और वर्साय के महल में सभी होस्ट के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने करीब 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे, यानी फर्स्ट स्टेट से 300 और सेकेंड स्टेट से 300, और वो इस तरह से, मान लीजिए ये राजा है और इस तरह से रो में बैठे हुए थे, साइड बाय साइड फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग रो में बैठे हुए थे और थर्ड स्टेट के लोगों ने करीब 600 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, क्योंकि ये लोग ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो 600 लोग थे इन लोगों के बीच पीछे खड़े थे, ऐसे रो के पीछे इस तरह से खड़े थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग भी थे उनका रिप्रेजेंटेशन भी थर्ड स्टेट के जो प्रोस्पेरस और एजुकेटेड लोग थे वही कर रहे थे। और इस मीटिंग से पेजेंट, आर्टिसंस और वोमेन का एंट्री डिनाइड था, यानी उन्हें एंट्री करने का अधिकार नहीं था।
तो लेकिन बात यह है कि जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एजुकेटेड थे, प्रोस्पेरस थे, लेकिन उन्होंने 40,000 लेटर्स यानी 40,000 लेटर्स के बाद एक लिस्ट तैयार की अपने ग्रुप के लोगों के ग्रीवेंसेस और डिमांड्स की, जो लिस्ट वो अपने साथ लेकर आए थे। तो बात यह है कि वोटिंग स्टेट जनरल में होती थी एक प्रिंसिपल पर, जो कि प्रिंसिपल पहले से बना हुआ था, काफी समय से इसी प्रिंसिपल पर वोटिंग होती आ रही थी। इस प्रिंसिपल में सभी तीनों जो स्टेट्स थे यानी क्लर्जी, नोबल और थर्ड स्टेट, इन सभी को एक एक वोट का अधिकार था, इन सभी को एक एक वोट का अधिकार था। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ हैं उन सभी को एक एक वोट मिले, सभी मेंबर्स को एक एक वोट मिले और इस तरह से वोटिंग हो, यानी वोटिंग का पैटर्न चेंज होना चाहिए। और ये जो वोटिंग का पैटर्न था ये एक तरह का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि पुट किया गया था फिलोसफर्स द्वारा, जैसे कि रूसो, इन्होंने अपनी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में इस प्रिंसिपल का जिक्र किया है। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को इनकार कर दिया, यानी जो वोटिंग का प्रपोजल था चेंज करने का, उस प्रपोजल को इनकार कर दिया। लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को इनकार क्यों किया? किंग ने प्रपोजल को इनकार इसलिए किया क्योंकि अगर तीनों के पास एक एक वोट रहेंगे तो क्लर्गी और नोबिलिटी को तो देने नहीं होते टैक्स, और ये दोनों पास कर देंगे बिल जिस तरह से राजा चाहता है और राजा अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। लेकिन अगर वो चेंज कर देता है वोटिंग पैटर्न तो उसकी बात नहीं रह पाएगी और वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात से नाराज होकर थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और असेंबली से बाहर आ गए। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये खुद को फ्रांस के जनता का प्रवक्ता मानते थे और उनके उनका नेता खुद को मानते थे। तो इन्होंने 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस ग्राउंड में, इंडोर टेनिस कोर्ट में एक मीटिंग बुलाई और असेंबल हुए सभी लोग। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने कसम खाई कि जब तक राजा का पावर्स लिमिट करने वाला, यानी जो राजा था उसके पावर्स को लिमिट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता फ्रांस के लिए, तब तक ये मीटिंग भंग नहीं होगी, यानी ये नेशनल नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। और इनका नेतृत्व कर रहे थे मिराबू और एबेसियस। मिराबू एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन वो इस फ्यूडल प्रिविलेज वाले सिस्टम को हटाना चाहते थे सोसाइटी से और इस बात से एग्री करते थे। उन्होंने कई सारे जर्नल्स निकाले और कई पावरफुल स्पीच दिए क्राउड्स के सामने जो वर्साय में असेंबल होती थी। यहाँ देखिए एक इमेज है नेशनल असेंबली की जिसमें लोग कसम खा रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। अब देखिए, और एबेसियस जो थे वो एक ओरिजिनली एक प्रिस्ट थे, उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल पेम्फलेट लिखे। व्हाट इज द थर्ड स्टेट? जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उस समय फ्रांस में बहुत सारे टर्मोइल्स हो रहे थे, यानी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। उस साल यानी उस वर्ष फ्रांस में एक बहुत बुरी विंटर्स आई थी, यानी विंटर उस वर्ष की बहुत खराब थी। इस वजह से हार्वेस्ट बहुत बुरा हुआ था और इस कारण ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। इस बात का फायदा उठाकर बेकरी के मालिकों ने सप्लाईज को होर्डिंग करना शुरू किया, यानी जमाखोरी करना शुरू किया और इस बात का वो फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन जो लोग लगे हुए थे लाइंस में बेकरी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ब्रेड्स को लेने के लिए, तो कई जगहों पर एंग्री वोमेन का जो लाइन था यानी क्वीज थे वो काफी एंग्री हो गए और वो शॉप को स्टॉर्म कर दिया, यानी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, दुकान लूट लिए। उसे ऑर्डर दिया कि पेरिस में मूव कर जाओ, यानी पेरिस में एंटर कर जाओ। और इसके बाद 14 जुलाई को एक एजिटेटेड क्राउड ने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टॉर्म कर दिया। इसके इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बेस्टिल को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया और 14 जुलाई को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके आगे ये देखते हैं
इसके बाद 14 जुलाई की घटना के बाद कंट्री साइड यानी देहाती इलाकों में रूमर्स फैलने लगे। सभी गांवों में लगभग ये रूमर्स फैल गए कि मैनर यानी जो जमींदार होते थे उन्हें मैनर्स कहा जाता था, मैनर ने हायर किया है गुंडों के समूहों को ताकि वो उनके पके हुए फसलों को डिस्ट्रॉय कर सके, बर्बाद कर सके। इस डर से जो पेजेंट्स थे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे इलाकों में हॉर्स या फिर पिचवर्स लेकर चटेव को अटैक कर दिया, यानी चटेव जो ग्रामीण किले होते थे उन्हें चटेव कहा जाता है, चटेव को अटैक कर दिया। उन्होंने वहां से ग्रेन्स लूट लिए और वहां जमा किए हुए ग्रेन्स जो थे उन्हें उसे लूट लिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स को जलाकर खत्म कर दिया। उन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज थे यानी लगान संबंधी रिकॉर्ड्स थे। इसके बाद बहुत सारे नोबल्स अपने घरों को छोड़कर भाग गए, अपने घरों ही नहीं उसमें से बहुत सारे तो उन्होंने देश तक छोड़ दिया, दूसरे देशों में जाकर उन्होंने शरण लिया। और अपनी जनता का पावर देख के, रिवोल्टिंग जनता का पावर देख के लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन दे दी और उसे पावर्स दे दिए और उसने एक्सेप्ट किया कि अब उसके पावर्स पर कॉन्स्टिट्यूशन का लिमिट होगा और नेशनल असेंबली उसको हमेशा रेगुलर चेक में रखेगी। 4 जुलाई 1789 की रात को असेंबली ने एक एक्ट पास किया जिसने फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस इसको अबॉलिश कर दिया और क्लर्जी के लोगों को भी मजबूर किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस को खत्म करें, अपने प्रिविलेजेस को हटा लें। टिथ्स यानी जो धार्मिक टैक्स होता था उसे हटा दिया गया और जो चर्च द्वारा लैंड्स यानी जमीनें एक्वायर की गई थी उन सभी को सरकार ने कब्जा कर लिया। इसके रिजल्ट के रूप में गवर्नमेंट के पास करीब 2 बिलियन लिवर्स का प्रॉपर्टी आ गई। अब इसके बाद आइए देखते हैं, टॉपिक है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस क्या हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया यानी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का शासन हो गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लिया और इसका मेन ऑब्जेक्ट था राजा के पावर को लिमिट करना यानी राजा के पावर को ज्यादा होने से रोकना। इस पावर को एक जगह कंसंट्रेटेड होने के बजाय बल्कि कई जगहों पर विभाजित कर दिया गया, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी, इन सभी को अलग अलग पावर्स दे दिए गए और ये एक दूसरे के पावर्स में इंटरफेयर नहीं करते। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया फ्रांस में। इस फिगर में आप देख सकते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिफाइन किया है, किस तरह से वो काम करता है, इस फिगर को आप पढ़ लें। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर यानी नियम बनाने के जो पावर थे यानी रूल्स बनाने के वो दिए गए नेशनल असेंबली को, जैसा कि इंडिया में पार्लियामेंट को पावर है रूल्स बनाने के, उसी प्रकार वहां पे पावर दिए गए नेशनल असेंबली को जिसको कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। इंडिया में इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है लेकिन वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। सिटीजन्स वोट करते थे ग्रुप ऑफ इलेक्टर के लिए यानी सिटीजन्स चुनेंगे एक ग्रुप ऑफ वोटर्स को, ग्रुप ऑफ इलेक्टर को जो बाद में चुनेंगे असेंबली के मेंबर्स को, यानी इन ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स ये मिलकर चुनेंगे असेंबली के मेंबर्स को। और लेकिन इन वोटिंग में सभी लोगों को अधिकार नहीं था, कुछ लोगों को अधिकार ही था, करीब जिन लोगों की उम्र 25 वर्ष से ऊपर थी और जो टैक्स पे करते थे 3 दिन के लेबर चार्ज लेबर वेज के बराबर, यानी जो उससे कम टैक्स पे कर रहा है वो वोट नहीं दे सकता है, उसे एक्टिव सिटीजन नहीं कहा जाएगा। एक्टिव सिटीजन वही कहलाएगा जो 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर टैक्स दे रहा है, उसी को वोट करने का पावर होगा। और इसके बाद जितने भी मेन एंड वोमेन यानी जो 3 दिन के लेबर चार्ज के बराबर टैक्स नहीं देते थे उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया, उन्हें पैसिव सिटीजन कहा गया। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, मतलब कि अगर कोई इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहे मेंबर ऑफ असेंबली के रूप में, तो उसे टैक्स पेयर के हाईएस्ट ब्रैकेट में होना जरूरी था तभी वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन।
कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले राइट ऑफ मैन और सिटीजन को डिक्लेयर किया गया, और भी राइट्स डिक्लेयर किए गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सभी चीजें की गई कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई, और इसको नेचुरल एंड इनअलाइबल राइट्स के रूप में रखा गया। ये सभी व्यक्तियों के साथ बिलोंग करती थी बाय बर्थ, यानी जो भी जन्म लेगा फ्रांस में उसके साथ ये राइट्स ऐड हो जाएंगी, उसके साथ ये राइट्स जुड़ जाएंगी। ये स्टेट की ड्यूटी हुई कि वो हर सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन यहाँ पर दिया गया है, उसे पढ़ लें आप, आपको काफी हेल्प होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।